गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना ये चैप्टर 5 चल रहा था, गुणज और गुणनखंड की विशेषताएं। और कल हमने किया था एक्सरसाइज 5.2 में, क्वेश्चन हमने 4, 5, 6, मतलब हमारा 6 तो क्वेश्चन हो चुके। अब हम प्रश्न 7 से स्टार्ट करेंगे। भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? कल हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में किया था। अभाज्य संख्याएं कौन सी थी? जिनके दो ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक और स्वयं वो संख्या खुद होती है। अब देखिए, भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हैं। क्या? दो से अधिक जिनके गुणनखंड हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 7 से। प्रश्न 7 है ये आपका, इसमें कहा गया है भाज्य संख्याएं कौन सी हैं। भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? सी है। तो देखिए, इसमें आपको क दिया हुआ है। क में है आपका 10। अब देखिए, 10 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 10 के सबसे पहले 1, फिर देखिए 2 के टेबल में आता है, फिर 3, 4 में नहीं आता, 5 में आता है और फिर 10 में आता है। यानी इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, ठीक है। फिर ऐसे ही ख, ख में देखिए, ख में आपका है 19। 19 का भी देखिए गुणनखंड 1 और 19 किसी की टेबल में नहीं आता, यानी 19। इसके दो ही गुणनखंड है, यानी ये कौन सी संख्या हुई? अभाज्य संख्या। और आपसे पूछा जा रहा है भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। फिर आया ग, ग में भी देखिए, ग में आपका है 25। 25 के गुणनखंड 1, 5 और 25, यानी दो से ज्यादा हो गए। अब ये आप अपने आप लिखते रहना, ठीक है। अब देखिए, दो से ज्यादा गुणनखंड है तो ये भाज्य संख्या है। घ, घ में देखिए 31। 31 भी 1 और 31 की ही टेबल में आता है और किसी में नहीं आता, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं। ण में क्या है आपका? इसमें ण में है 33। 33 देखिए 1, 3, 11, 33, यानी इसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो गए, यानी ये भाज्य संख्या है। समझ में आया? तो इस तरह से आपका प्रश्न 7 हो गया। फिर प्रश्न 8 क्या है? वह संख्या बताइए जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। आप बता सकते हैं सभी संख्याओं को? देखिए, आपने अभी इसमें लिखा है तो सभी संख्याओं का गुणनखंड कौन सा दिख रहा है आपको? 1। देखिए, सबका है। तो प्रश्न 8 जो है, प्रश्न 8 का आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। फिर प्रश्न 9, प्रश्न 9 में आपसे कहा जा रहा है 28 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उनमें से अभाज्य गुणनखंड अलग कीजिए। तो देखिए, 28 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, यानी 28 किस किस की टेबल में आता है। तो देखिए, 1, 2, 3 की टेबल में नहीं आता, नहीं आता। 4 की में आता है, 4 × 7 = 28 होता है। तो 4, 5, 6 नहीं आता, 7 में आता है। फिर उसके बाद में किस में आता है? 8, 9, 10 नहीं आता। फिर आपका 14 में आता है, 14 और फिर 28। अब आपसे इसमें ही कहा जा रहा है उनमें से अभाज्य गुणनखंड अलग कीजिए। अभाज्य गुणनखंड यानी जिनके दो गुणनखंड होते हैं। तो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड? 2 और 7 हैं।
तो दो और सात अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड है। ठीक है, कि प्रश्न नौ, प्रश्न दस में आपसे कहा जा रहा है दस और सत्तर के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए, दस से लेके सत्तर तक आप गिनती लिखिए और उसमें से छांटना है आपको अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मतलब जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से हैं, देखिए 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, फिर होगा 37, 41, 43, फिर 47, 47 के बाद में क्या आएगा 53, 59, 61 और 67। ये हैं जो 10 से 70 के बीच, तो आप लोगों को प्रॉपर लिखना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा फिर उसका आंसर ये लिखेंगे आप लोग। फिर प्रश्न 11 क्या है, 56 का सबसे छोटा और सबसे बड़ा गुणनखंड लिखिए, 56 का। तो आप देखिए, मैंने आपको गुणनखंड के बारे में पहले भी बताया था, किसी भी संख्या, 56 ही नहीं, किसी भी संख्या का गुणनखंड सबसे छोटा क्या होता है, एक। देखिए जैसे हमने इसमें भी देखिए, एक और सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, वो संख्या खुद होती है। देखिए हर एक में देखिए, सबसे छोटा गुणनखंड एक और बड़ा गुणनखंड 25। देखिए 33, तो एक छोटा है और बड़ा 33। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है 56 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है, एक, और सबसे बड़ा गुणनखंड, बड़ा गुणनखंड क्या होगा, 56। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है डू क्वेश्चन 7 to 11 इन नोटबुक। आपको ये नोटबुक में कंप्लीट करना है क्वेश्चन 7 to 11। ओके, थैंक यू।